नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार 45 दिन से भी ज्यादा समय हो चला है और लोग धरना प्रदर्शन करते हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे लेकर तरह तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बीते 50 दिनों में पूरे देश का एक रास्ता बंद करके कुछ लोग बैठे हुए हैं और दूसरे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग इन्हें देश विरोधी बता रहे हैं, कुछ लोग देशद्रोही बता रहे हैं, तो कुछ लोग दिल्ली और देश के टुकड़े करने का एक प्रयोग इसे करार दे रहे हैं। ऐसे में रविवार को शाहीन बाग की एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया जो अब तक 500 से ज़्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है और 2000 से ज़्यादा लाइक किया जा चुका है। इस वीडियो को साहिल मुरली मेघनानी नाम के एक यूज़र ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में जो तस्वीर दिखाई जा रही है वह हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक मिसाल के रूप में देखी जा सकती है। रविवार के दिन एक शव यात्रा निकाली जानी थी जिसका रास्ता शाहीन बाग से होकर गुजर रहा था। इस दौरान शाहीन बाग में कई सारे बैरिकेड्स लगे हुए थे जो उस शव यात्रा के रास्ते में आ रहे थे। ऐसे में वे मुस्लिम लोग जो शाहीन बाग में विरोध कर रहे हैं या वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उस शव यात्रा के लिए, उस अर्थी के लिए वो बैरिकेड्स हटाए और अर्थी को रास्ता दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लोग इस वीडियो को जरा एक बार गौर से देखिए। देश में शाहीन बाग के नाम पर तरह तरह की अफवाहें और भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुछ लोग इसे छोटा पाकिस्तान करार दे रहे हैं तो कुछ लोग इसे पाकिस्तानियों के समर्थन से चलने वाला विरोध बता रहे हैं। कुछ हिंदुवादी नेता और हिंदुवादी कार्यकर्ता इसे देश को तोड़ने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन वहाँ की हकीकत क्या है वो इस तरह के वीडियो के जरिए धीरे धीरे सामने आती रहेगी। लोग इस तरह के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट ही इसलिए करते हैं ताकि देश के सामने ये सच्चाई आ सके कि आखिर वहाँ विरोध करने वाले लोग हैं कौन। ऐसा ही एक वीडियो है जो हर किसी को सच्चाई बताता है शाहीन बाग की, और साथ ही सच्चाई बताता है अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले उन लोगों की जो हमारे देश में रहते हुए भी देशद्रोही, गद्दार या आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजे जा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के जरिए हमें बताइएगा और देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।